दरवाजा तो खुला ही है। बल्ले 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 सोडी प्रा हैप्पी एनिवर्सरी। ओ आ जाओ सोडी प्रा, रोशन पापी भी नहीं है। राउंड टू शुरू करते हैं। राउंड टू, राउंड वन कब हुआ? ओ भागो, राउंड टू कैंसिल। ओ यार अरे मारी भोली पर्सन, जरा समझदार बन। राउंड टू बोल के ये लोग इसीलिए भाग गए क्योंकि राउंड वन यहाँ पे रोशन के साथ ऑलरेडी कर चुके थे। भीड़े भाई ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि रोशन गाड़ी लेके उड़बाड़ा गया है और वो उसको गाड़ी तक छोड़ने भी गए थे, तो ये टू भीड़े भाई से जाके क्यों नहीं पूछती? बरोबर छे, बरोबर छे। मैं भीड़े भाई के घर जाके उनसे पूछती हूँ, सच का पता वही चलेगा। पप्पू, ओए पप्पू, ओए ब्रेक का ला, ओ ठंड रख। तू तो ऐसे टेंशन ले रहा है जैसे मैंने नहीं तूने पार्टी शादी की हो। कैसा पति है तू? एनिवर्सरी वाले दिन अपनी पत्नी को विश करने के बजाय पार्टी शादी करके यहाँ छुप के बैठा है। अरे वहाँ रोशन भाभी सोसाइटी में आ गई है, इस बात का तुझे कोई टेंशन ही नहीं? ओए पप्पू, तू बहुत टेंशन ना ले। ओ, मैं अपनी पोली पार्सन को बहुत चंगे से जानता हूँ, वो अब तक शांति से घर पे आराम कर रही होगी। और तू भी शांति रख और आराम कर और सो जा। अरे बोला ना भाई मैंने तुझे, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। आंख बंद करते ही रोशन भाभी दिखाई देगी तेरी पिटाई करते हुए। ओए पप्पू, ना तू ज्यादा लोड ले और ना दे। ओए पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव, बस सोए रहते ही सब कुछ ठीक हो जाना है। एक शिक्षक होके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। क्या जो पहला पाड़ा हुआ राठिया, आपका चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? कभी तो ऐसे रखा करो। सोडी भाई को देखिए जरा। उठे यहाँ थोड़ी होंगे, वो तो उदवाड़ा गए है ना। हाँ वही मैं सोचू, वो उदवाड़ा गए, तुमने बोला देखिए जरा। देखिए मतलब उनसे सीखिए जरा। कितने रोमांटिक है सोडी भाई और कितना प्यार करते हैं रोशन भाभी से। अभी भी सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा गए। उदवाड़ा कसला उदवाड़ा? पोपटलाच्या वाड्याला लपलाय तो। फिर से माथे पर शिकन। जरा मुझे पानी दो ना प्लीज। अभी तो थोड़ी देर पहले पिया था आपने। हाँ लेकिन गर्मी हो रही है ना, तो दिसंबर महीने में आपको गर्मी लग रही है? दिसंबर महीने में गर्मी नहीं हो सकती माधवी, प्यास नहीं लग सकती। लग सकती है लेकिन अन्न लौकर गला सूख रहा है मेरा। आंटे दे पानी। पानी हाँ। गर्मी है ना बहुत, बहुत प्यास लग रही है आपको, दिसंबर महीना है। सोप ना था। मैं क्या म्हणते, कल आप साड़ी को इस्त्री करेंगे ना, एक बार इस्त्री यहाँ पे भी घुमा दीजिए। शुभ रात्रि। अरे सॉरी सॉरी। हाय। शुभ टेंशन रात्रि। पिया ही नहीं आपने? पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। बरोबर ला? ओ बरोबर। गैस गई? हाँ जो बता जो। देवा, सॉरी हाँ, दोस्त का संसार बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। अभी जब तक सुबह नहीं होती तब तक टेंशन रहेगा, बस कैसे भी करके आज की रात शांति से निकल जाए और रोशन भाभी और सोड़ी आमने सामने ना आए। थैंक यू। कहीं रोशन भाभी वापस आ गई होगी तो शो। यहाँ से क्या देख रहे हो, जाके दरवाजा खुली है? इस
किस्मत कौन आया होगा माधवी? ये मेरी आंखें है, एक्सरे मशीन नहीं है जो मुझे आर पार दिखेगा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। खोलना पड़ेगा ना दरवाजा, आ जाइए ना। कहीं रोशन भाभी वापस तो नहीं आई? शो क्या सोच रहे हैं, जाइए दरवाजा खोलिए। हाँ लेकिन माधवी अगर कोई चोर उच्चक आया होगा तो? वाह, मतलब चोर बेल बजा के परमिशन लेके अंदर आएगा, मैं अंदर आऊ चोरी करू, काय बड़बड़ता है, काय बड़बड़ता है। लेकिन माधवी ऐसे कैसे दरवाजा खोल दू? ऐसे कैसे मतलब तैयार होके खोलना है या मुहूर्त देके खोलना है? लेकिन कैसे खोलू दरवाजा? अहो मराठी माणूस आहात तुम्ही, आहात कुठे, जा उघडा दरवाजा। मीच उघडते। नाही 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 नाही, मी उघडतो, भगवान करे चोरी हो। नाही काही नाही काही। रोशन भाभी आई है। तू दरवाजा क्यों नहीं खोला आपने? वो तुम्हारी सहेली है, तुमसे मिलने आई होगी, चोरी भी आपे नहीं है ना, तो गप्पे बढ़ने आई होगी, तो तुम ही खोलो दरवाजा। मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ कमाल है बाबा। आइए माधवी भाभी, वो भेड़े भाई को बुलाइए ना प्लीज। क्या हुआ? मैं बताती हूँ, पहले बुलाइए तो सही। हाँ मैं बुलाती हूँ, अब आइए ना। आहो आहो, रोशन भाभी आई है, वो बुला रही है आपको, चलिए। उनको बोलो कल बात करते, अभी मैं बहुत गहरी नींद में। आहो अभी तो आप टेंशन में बैठे थे, अभी गहरी नींद में चले गए। माधवी मुझे ठंड लग रही है, उनको बोलो कल बात करते हैं। थोड़ी देर पहले आपको गर्मी हो लग रही थी, अभी ठंडी लग रही है, काय चाल रहे काय तुमसे, और चश्मा पहन के आप गहरी नींद में चले गए थे। हाँ देखो ना माधवी, इतनी गहरी नींद आ रही थी कि चश्मा निकालने भूल गया। प्रश्न भाभी को बोलो कल बात करते हैं। वो आए हैं, कुछ काम है उनको आपसे, चलिए ना। अच्छा एक काम कीजिए, दो मिनट मिलके ना वापस सो जाइए। हाँ चलो। अरे उनको मिलूंगा तो नींद नहीं आएगी, मतलब एक बार नींद खुल गई तो नींद उड़ जाएगी ना। बस रोशन भाभी अकेले है, सोनी भाई भी नहीं है, यहाँ उतवाड़ा गए हैं, अगर उनको कुछ इमरजेंसी हुई तो। चला ना, ऐसा काय करता है भीड़े भाई, मने मालूम छे आप जाग रहे हो, प्लीज बाहर आइए, मुझे बात करनी है आपसे। आया आया रोशन भाभी। बोलिए रोशन भाभी। भेड़े भाई, रोशन पक्का उड़वाड़ा ही गया है ना? हाँ। आप श्योर है ना? हाँ। और रोशन गाड़ी लेके उड़वाड़ा गया है। हाँ रोशन भाभी, इन्होंने बोला था ना ये सोड़ी भाई को गाड़ी तक छोड़ने गए थे। आओ। भूखा? भूखा कहाँ है वो? बोला था ना आपने? वो ना बोला था ना, वो गलती से वो नींद में था ना, इसलिए भूखा हो गया। वो इन्होंने बोला था ये झूठ नहीं बोलेंगे कभी। हाँ सोड़ी गाड़ी लेके उदवाड़ा ही गया। अच्छा मतलब आपके सामने रोशन गड्डी में उड़वाना के लिए निकला था, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा भेड़े भाई एक बात बताइए, आपका सखाराम बिना चाबी के चल सकता है? रोशन भाभी मेरा सखाराम क्या, कोई भी गाड़ी या स्कूटर बिना चाबी के चल नहीं सकता। तो फिर रोशन की गड्डी बिना चाबी के उड़वाना कैसे चली गयी? रोशन भाभी किसी भी गाड़ी की दो चाबी तो होती है ना, मेरे सकरम की भी है। हाँ बरोबर है रोशन भाभी, सोड़ी भाई दूसरी चाबी लेकर गए होंगे।
अब मैं ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब गड्डी की दोनों चाबियां यहाँ है तो रोशन गड्डी लेके उडवाड़ा गया कैसे? ओहो, ओहो, दोनों चाबियां तो यही है। तो सोडी भाई गाड़ी से गए कैसे? अरे सिंपल है, क्या हुआ रोशन? सॉरी माधवी भाभी, बोल रोशन भाभी माधवी। अरे वो गाड़ी की चाबी है, कोहिनूर हीरा थोड़ी है जिसकी कॉपी नहीं बन सकती। उसने भी दो तीन चाबियां एक्स्ट्रा कर लिया होगी, उसका गराज है ना सोडी का। अरे हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बरोबर है रोशन भाभी। हाँ ये बात तो बरोबर है। हाँ रोशन भाभी, अभी आप ज्यादा सोचिए मत, घर जाके शांति से सो जाइए। नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में ना अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? मेरा मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं कि रोशन उडवाड़ा गया है, तो अभी अभी मेरे घर पे रोशन के बचपन के दोस्त पार्टी शार्टी का राउंड टू करने आए थे। तो आप मुझे बताइए ना कि ये राउंड वन कब हुआ? अरे देवा, फंस गया। क्या पता रोशन भाभी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये तो खुद गए थे ना सोडी भाई को गाड़ी तक छोड़ने के लिए। मतलब सोडी भाई उदवाड़ा गए हैं। तो राउंड वन कब करेंगे? नहीं कहा तुम ची ना कहते गड़बड़ होती है रोशन भाभी। गड़बड़ तो छेज, क्योंकि जब मैं घर पे थी ना तो रोशन के फ्रेंड्स आए, उनको नहीं पता था कि मैं घर के अंदर हूँ। फिर जब मैंने दरवाजा खोला ना तो वो ऐसे बल्ले बल्ले डांस करते हुए अंदर आ गए और चिल्लाने लगे, ओए रोशन हैप्पी एनिवर्सरी, राउंड टू के लिए रेडी हो जा। और फिर वो बॉटल निकाल के ऐसे ऐसे डांस करने लगे। तो मैं पीछे से आई और मैंने उनको पूछा राउंड टू या राउंड वन कब हुआ? तो वो लोग सब मुझे देख के डर गए और भाग गए। इसका मतलब राउंड वन हो चुका था और मेरे रोशन के साथ पार्टी शार्टी ये लोग कर चुके थे, इसलिए उठवाड़ा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरा रोशन कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करता है। इसीलिए तो गड्डी की दोनों चाबी मुझे घर पे मिली। यो, मतलब सोड़ी भाई उठवाड़ा गए ही नहीं है। राइट माधवी भाभी, भीड़े भाई की बातों में गोलमाल छे, वो रोशन को बचाने के लिए कहानी बना रहे हैं। सच बताइए क्या है भिड़े भाई? सच सच बताइए कि रोशन उडवाड़ा गया है कि नहीं गया है? अगर आप सच नहीं बताएंगे ना तो मैं उडवाड़ा चली जाऊंगी। आप तो बाद में जाएंगे रोशन भाभी उडवाड़ा, मैं जाऊंगी उसके पहले। उडवाड़ा? चिपलूण माजा माहेरी, सच बताइए। इसीलिए वो मेरे आते ही घर से भाग गया और हड़बड़ी में घर की लाइट नहीं बंद कर पाया। रोशन, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रोशन भाभी, सोड़ी की कोई गलती नहीं है इसमें। बराबर है, गलती तो आपकी है ना, आपने मुझसे झूठ बोला है। अब मैं समझी आपके माथे पर इतनी शिकन क्यों थी। इसी बात का टेंशन लेकर बैठे थे ना आप,
रोशन भाभी से डर गए थे ना, इसलिए उनसे बचने के लिए गहरी नींद का नाटक कर रहे थे। हाँ सॉरी माधवी, सोड़ी को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। रोशन भाभी, झूठ बोलने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। माफी माफी छोड़िए भीड़े भाई, पहले ये बताइए कि मेरा रोशन किधर है। वो नहीं बता सकता। देखिए ना माधवी भाभी, मेरी पूरी एनिवर्सरी खराब कर दी। अहो बताइए ना सच, कहाँ है सोड़ी भाई? सच बताइए, मारो रोशन कहाँ छे, मुझे उससे मिलना है। हाँ तो रोशन भाभी, आप उसको कल मिल लेना, तब तक आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं, मुझे उससे अभी क्या अभी मिलना है। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मुझसे झूठ बोला, पार्टी शार्टी की, मेरा दिल दुखाया और मैं भी गेली उसकी खुशी देखकर उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी। ऑल डबे उठवाना सिर्फ मैं उसको सरप्राइज देने आई और देखो उसने मेरे साथ क्या किया। मारा रोशन है मारो बहुत दिल दुखा फ्यूचर, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस उठवाना चली जाती हूँ, यही सही रहेगा। नहीं नहीं रोशन भाई, एक मिनट रोशन भाई, एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए, तोड़ी की वाकई इसमें कोई गलती नहीं है। अहो अभी आप सही गलत की चक्री मत बनाइए, सीधे सीधे बोलिए सोड़ी भाई कहाँ है। ठीक है बताता हूँ, लेकिन रोशन भाभी आप उस पर गुस्सा मत कीजिए आज के दिन। ठीक है। नहीं नहीं आप पक्का गुस्सा नहीं करोगी ना? पक्का नहीं करूंगी, बताइए रोशन कहाँ है। सोड़ी दोस्त माफ कर देना मुझे, अब तो सच बोलना ही पड़ेगा। बोला बोला लौकर बोला। ओ, 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 सोड़ी दरअसल सोसाइटी में ही एक पड़ोसी के हाथ छुपा है। आपले घरी है क्या? रोशन नहीं हमारे घर पे नहीं है, वो पोपट के घर पे छुपा है। मतलब पोपट भाई भी इन सब में शामिल है? पोपटलाल आइए, मेहता साहब, आती भाई, जेठालाल, हम सारी पुरुष मंडली शामिल है। भीड़े भाई, ये आप सबने अच्छा नहीं किया। सॉरी सॉरी रोशन भाभी। देखना रोशन को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, उसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रोशन भाभी आपने तो बोला था कि आप गुस्सा नहीं करोगी। झूठ बोला था है? आपने झूठ बोला ना, तो मैंने भी झूठ बोला। माधवी भाभी आपके पास बैलेंस है? बहुत सारी। नहीं चाहिए। रोशन भाभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या जरूरत थी गलत का साथ देने की? अरे माधवी थोड़ी दोस्त है मेरा और वो मुसीबत में था, तो एक दोस्त ही मुसीबत में साथ देता है ना, उसका मैं साथ कैसे छोड़ देता, उसकी एनिवर्सरी खराब हो जाती है ना। अभी कहाँ अच्छी चल रही है, अगर सोड़ी भाई छुपते ही नहीं, रोशन भाभी से माफी मांग लेते, सच बता देते, तो रोशन भाभी माफ कर देती और एनिवर्सरी खराब होती ही नहीं ना। रोशन भाभी सोड़ी को माफ कर देती? अरे बिल्कुल नहीं, उल्टा वो हॉकी स्टिक लेके उसके पीछे भागती। करेक्ट। ये बस अभी के अभी पोपट भाई के घर पे जाके रोशन को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर पार्टी शार्टी नहीं करेगा। रोशन भाभी मेरी बात सुनिए, रोशन भाभी आगा आए तेरा था पोपट लल्ला तो पोपट भाऊजी ने फोन लावता है ना। ओ ठेवा फोन चला। हाँ जरा आलो चप्पल का माँ का। अरे हाँ आप तो बालकनी से आए थे ना अंदर। मिलती है का? ओ, ओ, ओ.
रोशन भाभी थामा। दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढा। हमारे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है। हमारे गोकुल धाम के भेदी यानी कि भिड़े की वजह से हमारे झूठ की लंका ढह गई। जी हाँ, ये भिड़े ने सच बताकर सारा खेल बिगाड़। जैसे जीते हुए मैच का रूप कैसे बारिश की वजह से बिगड़ जाता है, हमारा सारा खेल भिड़े की वजह से वैसे ही बिगड़ गया। बेचारा सोढ़ी जो पोपटलाल के घर पे आराम से बैठा है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि रोशन भाभी नाम का एक रॉकेट उसकी तरफ लॉन्च हो चुका है। अब सोढ़ी कैसे बचेगा और हमारा क्या होगा? हमने भी तो सोढ़ी का साथ दिया है। जब हमारी बीवियों को सच्चाई पता चलेगी तब वो हमारा क्या हाल करेंगे? दोस्तों टेंशन का पारा बहुत हाई है। क्या लगता है, क्या कोई ऐसा चमत्कार होगा जिससे सोढ़ी बच जाएगा, या फिर रोशन भाभी उसे चटनी की तरह पीसेगी, या फिर एनिवर्सरी गिफ्ट में सोढ़ी को हॉकी खानी पड़ेगी? अब देखना यह है कि रोशन भाभी नामक बुलेट ट्रेन जब पोपटलाल के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी तब क्या होगा। जो भी होगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इन्हें सब पता चल गया। क्या? आपको आपके होने वाले पत्नी की कसम। आप तो झूठ बोल ही नहीं सकता। अरे अरे आजा भाई। रोशन इससे रोशन तो रोशन बाहर निकल। थोड़ी बाहर आजा भाई। एम नहीं माने।